हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा ऑयल, जो हमारे हेयर ऑयल, जो हमारे बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाता है, और इसे डैंड्रफ भी नहीं होती है। और ये गर्मियों में तो हम इसे नारियल तेल में बनाते हैं और सर्दियों में सरसों के तेल में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ना जो आपको मटेरियल दिख रहा है, ये है करी पत्ता। करी पत्ता मैंने पीसा हुआ है मिक्सी में, और ये थोड़ा टाइम हो गया पीसे हुए, इसलिए ब्राउन सा दिख रहा है। इसमें मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल। ये मैंने डाला कोकोनट ऑयल, और अब इसे अच्छे से मिक्स करके, बहुत पकाना नहीं है, फ्राई नहीं करना है, तेल को ना गरम नहीं लेना है, ठीक है। अगर गरम ऑयल होगा तो क्या होगा कि हमारा करी पत्ता उसमें फ्राई हो जाएगा, जो कि हमें फ्राई नहीं करना है। सिर्फ हमें थोड़ा सा इसे मिक्सअप होने के लिए पकाना है, बाद में हम इसे छान लेंगे और ये हमारे बालों के लिए ना बहुत ही अच्छा ऑयल बन जाएगा। थोड़ा फ्रेंड मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, और थोड़ा मैं इसमें डाली आलमंड ऑयल। दोनों ऑयल ही बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और करी पत्ता तो अच्छा होता ही है। इससे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा ऑयल घर पे ही तैयार हो जाएगा, जो हमारी बालों की सारी समस्याओं को रिमूव कर देगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोग भी ये ट्राई जरूर करिएगा, एक अच्छा ऑयल बनाइए और यूज करिए, हेयर ऑयल घर होम मेड। ओके बाय बाय। लुक गाइज, मैंने ये छान लिया है, ये देखिए मेरे ऑयल को, और मैं इसे ना, ये मैंने बॉटल रखी हुई है, इस पर फिल कर लूँगा।